सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आज इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। एंड विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओ। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसकी ब्रांडिंग काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, जैसे कि बीबी की वाइंस और मुंबई कर निखिल जैसे बड़े यूट्यूबर्स करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया कि आज हम बात करने वाले हैं मीवी के बारे में और इसकी ब्रांडिंग काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है ये। एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के एंड में यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपके पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बॉक्स के बारे में। कुछ इस तरीके का हमें बॉक्स देखने को मिलता है, मीवी मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 10 वॉट की पावर आउटपुट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर पार्टी ऑन द गो लिखा गया है, मीवी की ब्रांडिंग करी गई है। और अगर बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर मीवी मूनस्टोन लिखा गया है। और अगर बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर भी मीवी मूनस्टोन हमें देखने को मिलता है। ऊपर में कुछ नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर बात करूँ नीचे साइड की, तो जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को मार्केट और इंपोर्ट करा है उनकी डिटेल्स दी गई है। और बॉक्स पे जो प्राइसिंग मेंशन करी गई है वो 3500 रुपीज़ करी गई है। बट आप इसे आसानी से सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में खरीद सकते हो नॉर्मल डेज में, और ऑफर में आपको ये नॉर्मली 1200 टू 1300 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा गया है चाइना में, और यहाँ पर इसका जो कंट्री ऑफ ऑरिजन है वो चाइना है। अगर बात करूँ बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करी हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ कंपनी का क्लेम्स है, जैसे कि सुपर सॉलिड बेस देखने को मिलता है, सो विल चेक दैट लेटर ऑन। और यहाँ पर आप इसको 70% बैटरी पर 6 आवर्स तक प्ले कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आप अगर आपके पास दो ऐसे स्पीकर है अगर आपके पास दो ऐसे मीवी के मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर है, तो आप स्टीरियो साउंड इफेक्ट यहाँ पर बना सकते हो और दोनों को एक साथ कनेक्ट करके बजा सकते हो। यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर प्रीमियम बिल्ड देखने को मिलता है। इस प्रोडक्ट में हमें स्प्लैश रेजिस्टेंस IPX5 की रेटिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये डस्ट और स्प्लैश प्रूफ है, और साथ साथ ये पोर्टेबल भी है, तो आप इसको कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हो। प्रोडक्ट पे जो हमें वारंटी मिलती है वो 1 ईयर की देखने को मिलती है। तो इन केस अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर कंपनी का फ़ोन नंबर और ईमेल सपोर्ट दिया गया है, तो आप उनसे बात करके अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हो। चलो बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पर मैं और भी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। साथ ही साथ आपको मिलता है एक ऑक्स केबल, जिसको यूज़ करके आप किसी भी गैजेट को यूज़ करके आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो उस ब्लूटूथ स्पीकर में। तो चलो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आपको मिलता है एक यूएसबी केबल भी मिलता है, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ ऑक्स केबल की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग करी गई है, और इसको यूज़ करके आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है। तो चलो इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। कुछ इस तरह का आपको ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलेगा, और मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में ही बता देता हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है डिवाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रेड टाइप का मटेरियल की कवरिंग दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, एंड इवन आफ्टर लॉन्ग यूजर्स ये नहीं निकलने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक करके। तो ये है पावर ऑन ऑफ बटन, यहाँ पर आप इसको प्रेस करोगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा और ये म्यूज़िक आपको सुनाई देगी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन LED देखने को मिलती है। यहाँ पर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, साथ साथ सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो इन दोनों बटन को यूज़ करके। यहाँ पर आप म्यूज़िक को पॉज और प्ले कर सकते हो, और साथ ही साथ इसमें आप कॉल भी आंसर कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, और ऐसे बहुत कम ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें हमें ये फ़ीचर देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम मैं इसको खोल कर दिखा दूँ,
यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो, साथ साथ माइक्रो एसबी पोर्ट दिया गया है जहाँ पर आप कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हो। उसी के बगल में आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर भी देखने को मिलता है और साथ साथ एक 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है जहाँ पर आप ऑक्स केबल कनेक्ट करके म्यूज़िक प्ले कर सकते हो अपने किसी भी गैजेट से। यहाँ पर आपको एक रीसेट बटन भी दिया गया है, तो चलो इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन भी दिया गया है और इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये आवाज़ों को रिसेप्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्ट सी रबर की यहाँ पर मटेरियल दिया गया है ताकि जब आप इसको अपने किसी भी सॉलिड सरफेस पर रखो, चाहे वो टेबल हो या फिर कोई ग्लास सरफेस, तो वो अच्छे तरीके से चिपक जाए वहाँ पर और ये निकले नहीं और यहाँ पर ये वाइब्रेट नहीं करे इवन आप अगर म्यूज़िक प्ले करते हो अपने हाई वॉल्यूम्स पर। तो और यहाँ पर बैक साइड में कुछ और डिटेल्स दिए गए, लेट मी जूम इन एंड शो इट टू यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर लिखा गया है, साथ साथ यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया और इसमें जो बैटरी देखने को मिलती है वो 1500 mAh की देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पर जो चार्जिंग इनपुट है वो 5V 1A पे है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिलता है और स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग करी गई है और इसको यूज़ कर सकते हो आप, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप अपने बैग में फिक्स कर सकते हो, अपने हाथों में पकड़ सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 10W का ब्लूटूथ स्पीकर है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, यू कैन कैरी दिस इन योर हैंड। तो चलो अब इसका साउंड टेस्ट करके आपको सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट आपको दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर मैं पेयरिंग करके दिखा देता हूँ। हालांकि बहुत ही इजी स्टेप है पेयरिंग करना, यहाँ पर आपको बस इस बटन को प्रेस करना है, डिवाइस ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो पेयरिंग मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पर हम डिवाइस को सर्च करेंगे, अवेलेबल डिवाइसेस में मीवी मूनस्टोन आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और पेयर हो जाएगा डिवाइस हमारा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड यू गुड टू गो। यहाँ पर आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, तो चलो म्यूज़िक टेस्ट करके सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा। हालांकि म्यूज़िक जज करना वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता ज़रूर है, बट स्टिल आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। चलो म्यूज़िक टेस्ट करते हैं। सो लेट्स प्ले सम म्यूज़िक। When you feel it's hopeless, when you think that you're lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Thank you.
तो दोस्तों साउंड टेस्ट सुन लिया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इसमें और भी सॉन्ग सुने, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हो या फिर हॉलीवुड सॉन्ग्स हो, तो यहाँ पर मैंने इसका एक और साउंड टेस्ट कर रखा है अपने IGTV पर। तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करो। वहाँ पर आपको IGTV पर मैंने टेस्ट कर रखा है, जो कि आज या फिर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा मेरे IGTV पर। तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर जाकर उस टेस्ट को, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। या जैसा कि आप जानते हो कि मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर मैंने IGTV पर वो डाला है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं वर्डिट के बारे में। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लेकर रखे हैं, एक एक करके इन पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है। वहीं अगर बात करें बटन्स की, तो बटन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है। यहाँ पर एक और आपके लिए मेरिट है कि अगर आप बारिश में इसको लेकर निकल रहे हो और हल्का सा बारिश हो जाता है, एंड ये ब्लूटूथ स्पीकर हल्का सा भींग जाता है, तो ये स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये स्प्लैश रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो अगर आप बारिश में लेकर जाते हो, हल्का सा भींग जाता है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर बात करें बैटरी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर मैंने बैटरी टेस्ट करा है इस ब्लूटूथ स्पीकर पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने हाई वॉल्यूम्स पर म्यूज़िक तो प्ले नहीं करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको 80% पर टेस्ट करा, और यहाँ पर मैंने 5 घंटे से लेकर 5 घंटे 10-15 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप मुझे देखने को मिला। तो ये चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जैसे कि कंपनी क्लेम भी करती है कि यहाँ पर आप 70% बैटरी पर 6 घंटे प्लेबैक कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने 80% पर टेस्ट करा और मुझे 5 घंटे 10-15 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप देखने को मिला। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ करके आप अपने कॉल्स को भी आंसर कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं जिनमें आपको माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें माइक्रोफोन देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो कॉल रिसेप्शन है बहुत ही अच्छा है, इसके माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैं डिवाइस से 4 से 5 मीटर दूर था इस डिवाइस से, लेकिन फिर भी मैं अपने कॉल्स को अच्छे तरीके से आंसर कर पा रहा था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर बात करें कनेक्टिविटी के मामले में, तो इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि इसकी कनेक्टिविटी 10 मीटर की, लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी कनेक्टिविटी 20 मीटर की मिली। लेकिन वहाँ पर उस समय कोई भी दीवार नहीं थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। एंड अगर वॉल्स भी आते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 से 12 मीटर का कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब भाई साउंड कैसा है, आप में से कई सारे लोग बोल रहे हो, सब कुछ बताता जा रहा है, ये तो बता ही नहीं रहा कि साउंड कैसा है। साउंड भी इस ब्लूटूथ स्पीकर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसमें। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो रबर फिनिश देखने को मिलता है, अगर आप इसे वुडन सरफेस पर इस्तेमाल करते हो, तो ये थोड़ा वाइब्रेट करता है हाई वॉल्यूम्स पर, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसे मेटल पर इस्तेमाल करते हो या फिर ग्लास पर इस्तेमाल करते हो, तो आपको बेस एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। जितना इसका बेस है, उससे कई ज़्यादा अच्छा बेस देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ये वाइब्रेट नहीं करता है उस वक्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आपको ग्लास देखने को मिलता है, या फिर आप इसको मेटल पर ऐसा इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोज इस ब्लूटूथ स्पीकर के। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स है यार, एक चीज़ कॉन यहाँ पर मुझे लगी कि यहाँ पर अगर आप इसको वुडन सरफेस पे इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर ये वाइब्रेट करता है, ये चीज़ मुझे लगा। और यहाँ पर जो थोड़ा सा बेस एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कम हो जाता है जिसके वजह से। लेकिन हाँ, अगर आप इसे कोई भी मेटल सरफेस पे या फिर आप ग्लास सरफेस पे इस्तेमाल करते हो, तो यार कसम से बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 1500 to 1600 रहती है, और यहाँ पर ऑफ़र्स के दौरान ये आराम से आपको 1299 में मिल जाएगा। एंड अगर कंपनी कोई भी कूपन कोड मुझे देती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। अगर कंपनी कोई भी मुझे कूपन कोड देती है, तो मैं यहाँ आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात करें इसकी वारंटी की, तो वारंटी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं अनबॉक्सिंग में बताना आपको भूल गया था, कि आपको यहाँ पर वारंटी रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर इनका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको अपना इनवॉइस आपको इनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, एंड आपकी वारंटी रजिस्टर हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको 1 ईयर की वारंटी इस प्रोडक्ट पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप ले रहे हो, तो ये सब चीज़ प्रोसेस को ध्यान में रखना कि आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके बजट 1500 to 1700 के आसपास है, अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर लेना है, तो काफ़ी अच्छा डील हो सकता है आपके लिए।
एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर पॉपअप हो रही है, यहाँ पर जाकर फॉलो करो, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। एंड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया तो बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, एंड वहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। एंड अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलो मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि इस साल हम काफ़ी सारे एक्साइटिंग वीडियो लाने वाले हैं। तो चलो मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।